क्या होता है फूड माइक्रोबायोलॉजी क्या है ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है जो इन्वॉल्व कि है? है होते हैं ठीक है, में होते है, disease, है, होते है और बेसिकली क्या इंक्लूड करता है इंक्लूड करता है ऐसे मैथड को जो कि क्या करता है फूड स्पॉयलेज को प्रिवेंट कर सके फ्रॉम द माइक्रोब तो उनको हम लोग प्रिजर्वेटिव मैथड भी बोलते हैं आफ्टर दिस वी हैव द माइक्रोव इन्वॉल्वमेंट इन द फूड प्रोडक्शन तो कौन कौन से माइक्रोव इन्वॉल्वमेंट होता है सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द डेयरी प्रोडक्ट्स तो डेरी प्रोडक्ट्स में जैसे आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने हाँ पे लिखा है योगर्ट प्रोडक्शन तो योगर्ट जो होता है इसके प्रोडक्शन में इसको जनरली फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पे बैक्टीरियाज लाइक स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफाइल एंड लेटोबैसिक बल्गारिकस का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है आफ्टर दिस वी हैव द चीज मेकिंग चीज़ मेकिंग में जैसे पैनिसलियम रुकफर्टी हो गया या प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी ऐसे क्या होते हैं कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरियाज का इन्वॉल्वमेंट होता है नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्रेड ब्रेड कहेंगे तो बेसिकली इट इज प्रिपेयर फ्रॉम द फंगस ईस्ट जिसको हम लोग बेकर ईस्ट भी बोलते हैं नोन एज सेकेरोमाइसी सेरेविसी ओके देन वी हैव द चॉकलेट अब चॉकलेट जो होता है सबको पसंद होती है तो इस चॉक

नाउ दिस इज अबाउट द फूड स्पॉयलेज कॉज की फूड स्पॉयलेज के क्या कॉज हो सकते हैं सबसे पहले फूड स्पॉयलेज को कैसे आइडेंटिफाई करे सब हमें पता है की जो फूड होता है उससे कैसी होती है फाउलोडोर यानी कि गंदी सी स्मेल आने लग जाती है फूड का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है चेंज कलर ऑफ द फूड सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स एंड स्लाइम प्रोडक्शन एज वेल एज बेड फ्लेवर ठीक है तो ये कुछ चीज़ें होती है आपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करी होगी कि कोई चीज अगर सड़ जाती है ख़राब हो जाती है तो उसमें से बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है उसका कलर चेंज हो जाता है वो सॉफ्ट हो जाता है बिल्कुल उसमें से स्लाइम जैसी किसी चीज का प्रोडक्शन होने लगता है और बहुत ही उसका बेड सा फ्लेवर आने लगता है ठीक है तो वो आइडेंटिफिकेशन होता है फूड स्पॉयलेज का देन वी हैव द फूड स्पॉयलेज कैन बी ड्यू टू माइक्रोब दैट डिपेंड अपॉन टू फैक्टर अभी जो फूड स्पॉयलेज हो रहा है ये माइक्रोब्स की वजह से होता है लेकिन ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एक होता है एक्सटेंसिक फैक्टर के फैक्टर्स होता है अंडर मतलब के फैक्टर मतलब तो में लाइक वी हैव टेम्परेचर हामिडिटी एंड प्रेशर और इंट्रेंसिक के बारे में कहेंगे लाइक वी हैव दी एच वाटर एक्टिविटी न्यूट्रीन कंटेंट एंड द एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड नाउ वी द फूड स्पॉयलेज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द बैक्टीरिया लाइक यू कैन सी हेयर बैक्टीरिया जो है हम जनरली बोलते हैं ग्राम तो पॉजिटिव होते हैं ग्राम निगेटिव होते हैं तो कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि फूड स्पॉयलेज में इन्वॉल्व होते हैं लाइक क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज लैब मीन्स लेक्टो एसिड बैसिलस बैक्टीरिया ठीक है स्टेप्टोकॉकस बैक्टीरिया हो जाता है देन वी हैव द सालमोनेला कोलाई एंड कॉकजिले बर्नेटी तो ये तीनों ग्राम निगेटिव हैं और ये तीनों ग्राम पॉजिटिव है यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि फूड स्पॉयलेज करते हैं आफ्टर दिस वी हैव द फंजाई फनजाई के बारे में कहेंगे तो स्पेशली जो फंजाई होते हैं उसमें ईस्ट और मोल्ड रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड के स्पॉयलेज के लिए जैसे कि ब्रेड को स्पॉयल करता है राइजोपस स्टोलोनिफर मोल्ड में जैसे म्यूकोर हो जाता है पेनिसिलियम होता है अल्टनेरिया होता है तो ये सब क्या होता है फूड स्पॉयलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं Now we have some yeast like you can see here yeast like Saccharomyces cerevisiae and Candida is present. They spoil the maple syrup, pickle, jams and soy sauce. ठीक है तो ये yeast basically क्या होता है इन सब चीजों को ये spoil करता है. Then we have the protozoans. Protozoans आपने सुना ही होगा Entamoeba histolytica. ठीक है तो ये भी क्या करता है? ये basically food को spoilage cause करता है. Algae में like Goniolex और Microcystis and BGA. BGA means blue green algae. तो ये कुछ ऐसे microbes होते हैं जो कि food spoilage करते हैं. इन्हीं मैंने कि

आफ्टर दिस वी हैव द फ्रीजिंग अगर फ्रीजिंग यानी कि जमा देना किसी चीज को तो फूड स्टफ्स को बेसिकली हम लोग कोल्ड स्टोरेज पे रख देते हैं जैसे कि जीरो टू टेन डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका मेंचर रहता है फॉर एग्जाम्पल वी हैव द फिश ओके नाउ वी हैव द सॉल्टिंग सॉल्टिंग में क्या करते हैं हम लोग मॉइस्चर रिमूव फ्रॉम द मीट व ऑस्मोसिस आपको पता है जैसे आपने एक स्नेल वाला एग्जाम्पल सुना होगा ना कि जब हम लोग स्नेल के ऊपर सॉल्ट डाल देते हैं तो उससे सारा वाटर बाहर आ जाता है ऑस्मोसिस की वजह से स्नेल की डेथ हो जाती है तो वही चीज आप सोचो कि सॉल्ट की वजह से ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है तो जब हम चीज को ज्यादा एक्सेस सॉल्ट में डाल देता है तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर का सारा मॉइस्चर बाहर आ जाता है के थ्रू एंड एज अ रिजल्ट वो बिल्कुल डिहाइड्रेट सा हो जाता है तो इससे हम जनरली क्या करते हैं यहां पर हम लोग माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकते हैं स्पेशली हम उसको यूज करते हैं किसके माइक्रोबियल ग्रोथ को स्टॉप करने के क्लॉस्ट्रीडियम बॉड्यूलिनियम न यूज समिजर्वेटिव लाइक यू कैन सी कैल्शियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट यानी कि एलिन डायमाइन टेट्राइसिटिक एसिड बी एच ए मतलब हाइड्रोक्सी एनलिन और यहाँ पे बी एच टी मतलब हाइड्रोक्सी टोलोइन राइट मैंने ऊपर नीचे लिख दिया वट है हम लोग सीलिंग फूड इन स्टेराइल पॉट और केनस्टर एंड बॉइलिंग कंटेनर एज अ मेथड ऑफ स्टेरलाइजेशन लाइक मीट फिश एंड बीन तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि स्टेराइल पॉट्स और केनिस्टर्स में फूड को रख देते हैं जो भी हमें स्टोर करना है कैनिंग मेथड से फिर कंटेनर को बंद करते हुए हम एक स्टेलाइजेशन का मेथड अप्लाई करते हैं जो कि होता है बॉइलिंग ठीक है तो उसको उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है जिसके बाद से वो एज अ रिजल्ट स्टेन क्या होता है स्टेरलाइज हो जाता है ठीक है इसके कैनिंग के मेथड के थ्रू हम लोग मीट फिश या फिर बीन्स को क्या कर सकते हैं प्रिजर्व कर सकते हैं देन नेक्स्ट वी हैव इज द पेशराइजेशन पेशराइजेशन आपने सुना होगा लुइस पेशर ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था यहां पे जो फूड होता है इट इज हीटेड एट सेवेंटी डिग्री सेल्सियस फॉर फिफ्टीन सेकेंड एंड फिर हम क्या करते हैं सिक्सटी डिग्री सेल्सियस में उसको हीट फॉर थर्टी मिनट्स के लिए फास्टली कूलिंग एट सेवन डिग्री सेल्सियस सेल्सियसराइजेशन के थ्रू बेसिकली हम लोग मिल्क का प्रिजर्वेशन करते हैं राइट देन वी हैव द फूड कंटेमिनेशन एंड द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज ज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मैंशन इन केस ऑफ फूड माइक्रोबाइलॉजी तो फूड माइक्रो बायोलॉजी केस पर चीज़ मेंशन करना बहुत जरूरी है कि कैसे फूड कंटेमिनेशन और ट्रांसमिशन होता है डिजीज़ का सबसे पहले डर्टी किचन क्लोथ्स का यूज़ हमें अवॉइड करना चाहिए सेकंड थिंग इज की डस्ट इन द एयर तो एयर में बेसिकली डस्ट होती है तो हमें जनरली क्या है कि फूड को कवर करके रखना चाहिए टचिंग ऑफ ग्लासेज और मेटल जो कि अनकलीनड ग्लास और मेटल होते हैं जब भी हम लोग फूड को हैंडल कर रहे होते हैं तो उस टाइम क्या होता है जो ग्लास और मेटल्स होते हैं अनकली बेसिकली उनकी टचिंग को हम लोग

डर्ट uh, पार्टिकल्स होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर सोर्स में आ जाते हैं तो बेसिकली क्या हो जाता है कि हमें फूड आइटम्स को कभी भी अनकवर्ड नहीं रखना चाहिए उनको कवर करके रखना चाहिए इस वजह से क्या होता है अगर उनको अनकवर्ड रखते हैं तो फ्लाइज उस पर बैठ सकती है और जर्म्स को क्या कर सकते हैं इनडायरेक्टली वहाँ पर छोड़ सकती है फ्रॉम देयर विंग्स एंड लेग्स ठीक है अनवॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल तो बेसिकली जो अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं उनके कंजम्पशन को हमें अवॉइड करना चाहिए कॉमन किचन इंसेक्ट लाइक कॉकरोच में बी अ मेन कॉज ऑफ़ द डिजीज ट्रांसमिशन तो डिजीज ट्रांसमिशन का एक मेन कॉज कॉकरोच भी हो सकते हैं ईटिंग अनकुक्ड और पार्शली कुक्ड मीट और फिश ये तो आपने सुना होगा कि वैसे कोविड के टाइम पर भी ये चीज़ कही गई थी कि आपको कभी भी अनकूक्ड मीट नहीं खाना चाहिए स्पेशली जो फ्लू वाली कंडीशन होती है तो वहां पर भी बोला जाता है कि जो मीट या फिर फिश है उसको कंप्लीटली कुक खर्ट करके खाने ना, बहुत जरूरी है ठीक है देन यूज ऑफ एग विदाउट वॉशिंग देम और प्रॉपर्ली बॉइलिंग दैम तो एग को जब हम यूज करते हैं तो उससे पहले हमें उसे बॉइल करना चाहिए या फिर कंप्लीटली अच्छे से वॉश करना चाहिए देन ईटिंग लेफ्ट ओवर फूड दैट वॉज नॉट प्रॉपरली प्रिजर्व हमने कोई ऐसा खाना खा दिया जो कि बहुत टाइम पुराना था बिल्कुल भी प्रिजर्व नहीं किया गया था अच्छे मैथड से तो उससे बेसिकली क्या होता है फूड पॉइजनिंग के केसेस देखने को मिलते हैं ईटिंग फूड विथ अनवॉश्ड और नॉन स्टेल सैनिटाइज हैंड कैन ऑल्सो रिजल्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़ ठीक है हम लोग फूड खा रहे हैं और हमारे हाथ बिल्कुल कंटेमिनेटेड है ना हमने सैनिटाइज़र यूज़ किया है ना ही हमने अपने हाथों को वॉश किया तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो डिजीज़ होती है वो इनडायरेक्टली हमारे हैंड से हमारे माउथ के अंदर आ जाती है तो ये कुछ पर्टिकुलर सोर्स थे कि कैसे फूड कंटेमिनेशन होता है या कैसे डिजीज़ का ट्रांसमिशन होता है ठीक है तो अगर आपके एग्जाम में फूड माइक्रोबायोलॉजी आती है तो फूड माइक्रोबायोलॉजी में क्या एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या फूड माइक्रोबायोलॉजी होती है ठीक है कैसे हम माइक्रोब्स को यूज़ करके फूड का प्रोडक्शन करते हैं ठीक है उसके बाद से आप बता सकते हो कि फूड का प्रिजर्वेशन कैसे होता है क्या उसके अलग अलग मैथड्स होते हैं कैसे फूड में डिजीज़ का ट्रांसमिशन होता है वो कौन से माइक्रोब है जो कि फूड में क्या करते हैं फूड कंटामिनेशन कॉज करते हैं फूड में अलग अलग डिजीज़ को फैलाते हैं ठीक है थीके? तो ये चीज़ के बारे में आप लोग फूड माइक्रोबायोलॉजी में मैंशन कर सकते हो सो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक फूड माइक्रोबायोलॉजी इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू